जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग रूप पे। और आज हम बात करने वाले हैं पिंकी फिंगर पे मौजूद यानी कि बेबी फिंगर, आपके कनिष्का सबसे छोटी वाली उंगली पे आगे की तरफ यानी इस तरफ या पीछे की तरफ अगर कोई तिल मौजूद है तो उसका आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने इंडेक्स फिंगर के बारे में ऐसे ही जाना था और अब की बारी है आपके बेबी फिंगर की। अगर बेबी फिंगर के इस क्षेत्र में कहीं भी इस तरीके का कोई तिल अगर यहाँ पर मौजूद होता है, किसी भी खंड में हो, अगर इस तरफ हो या इस तरफ हो, कहीं भी यहाँ पर अगर ऐसी तिल की स्थिति होती है तो उंगली के प्रकार के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अलग अलग दोष की उपस्थिति उस समय में होती है। जैसे कि अगर ये उंगली सीधी है बिल्कुल, तो ऐसी परिस्थितियाँ जातक के लिए बिल्कुल सामान्य होती है। लेकिन अगर यहीं पे ये आपके इस उंगली की तरफ यानी अनामिका की तरफ थोड़ी झुकी हुई होती है तो व्यक्ति का विचार उसके मामले में थोड़े अलग होता है, क्योंकि वो खुद से किसी नतीजे पर हमेशा नहीं पहुंच पाते हैं और एज ए फॉलोअर काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन एज ए लीडर उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं गौण हो जाती है, यानी खुद में वो अपना उतना विश्वास नहीं दिखा पाते। वहीं पे अगर ये बाहर की तरफ झुकी होती है तो ऐसे लोग काफ़ी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो भरपूर यूज़ करते हैं, और जो भी मन में बात हो, जो जैसी भी चीज़ें हो, उसे बोलने में कहीं भी, इवन कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें आपको बिल्कुल ही खराब लग जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो हमेशा उन चीज़ों को बोलने से कभी भी हिचकते नहीं, कई बार कुछ गलत भी बोल जाते हैं रोष में या हीट ऑफ द मोमेंट, तो ऐसी परिस्थितियाँ उनके साथ हमेशा आती ही रहती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तिल मौजूद होता है तो उसके अनुसार व्यक्ति की जो ये प्रकृति है उसमें भी तब्दीली आती है। अगर आपके अंदर की तरफ झुकी हुई है और उस परिस्थिति में यहाँ पर कोई तिल मौजूद है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति के साथ वाणी दोष होती है लेकिन उसे व्यक्ति संभाल लेता है, यानी कि कोई सामने होता है जो कि उसे बेहतर तरीके से उन चीज़ों से अवगत करवाता है कि आपकी बात कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है या गलत जा रही है, तो उसे वो संभाल लेता है, उसे केयर करता है। कई दफ़े इनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि सही तरीके से निर्णय पर पहुंचने में इन्हें काफ़ी मुश्किल आ जाती है अगर तिल की उपस्थिति इस क्षेत्र में आगे की तरफ या पीछे की तरफ हो तो उस परिस्थिति में, तो वहाँ पे उन्हें दूसरे की राय लेना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। अगर यहाँ पे बिल्कुल ये सीधी है तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ वाणी दोष की स्थिति इनके जीवन में बनी रहती है। इसके अलावा बाहर की तरफ अगर झुकी हुई है तो वाणी दोष कभी कभी इनके लिए इतनी परेशानी का कारण बन जाती है जो कि ये खुद परेशान हो जाते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता ही नहीं होता जब वैसा गुस्सा आता है या वैसी परिस्थिति आती है। कई बार ऐसे लोग भावना शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, कई बार इतनी अत्यधिक ऊर्जा इनके अंदर प्रवाहित होने लगती है कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों से कई बार दो चार हो जाते हैं, कई बार और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि तीनों परिस्थिति में यानी कि अनामिका की तरफ हो, बाहर की तरफ हो या सीधी हो, फिर भी आपके जीवन में आती है, यानी कि बार बार अपनी चीज़ों को एनालाइज करना, बार बार चीज़ों को देखना, बार बार चीज़ों को दोबारा तिबारा समझना, मन में कभी इनका मन खाली नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें चलता रहता है, इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, एक छोटी सी बात को भी काफ़ी लंबे समय तक उसे वो करते रहेंगे, रिपीट रिपीट दिमाग में, नहीं उसमें ऐसे बोलना चाहिए था, नहीं उसमें ऐसे करना चाहिए था, नहीं मैं उसके पास जाऊंगा तो उसे इस तरीके से मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूंगा, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं इसमें कुछ और एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें इनके साथ हमेशा चलती होती है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक भ्रम के शिकार व्यक्ति हो जाते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां होती है उसमें भी हस्तरेखा का विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि उसके अनुरूप पता चलेगा कि आखिर इनका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से है और कितना है, कितने हद तक ये आपको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी खास एक बिंदु विशेष या रेखा विशेष या पर्वत विशेष की बात करते हैं तो उसके जो हाइलाइट्स हैं उन्हें ही आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन जब ओवरऑल बात आती है तो उसमें सबका जो प्रभाव है वो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप खाना खाने बैठे हो तो बोलोगे रोटी बहुत जली हुई है। ठीक है, तो रोटी पर अगर बात होगी तो ये रोटी बहुत जली हुई थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन हो सकता है सब्जी अच्छी हो, चटनी अच्छी हो, दही अच्छी हो, तो जब ओवरऑल आपसे फूड के बारे में पूछा जाएगा तो नहीं कम्प्लीटली अच्छा था। ठीक है, लेकिन जब रोटी की बात होगी तो नहीं वो बहुत अच्छी थी या बहुत खराब थी। उसी प्रकार से जब एक रेखा विशेष की बात होती है तो उसके जो गुण अवगुण है उसे आपको बताया जाता है। तो इसे भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कुछ खास रेखा है लेकिन उसका प्रभाव बहुत अच्छा आ रहा है या बहुत बुरा आ रहा है, तो इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।